के चेयरमैन हैं दिल्ली सरकार में, उनकी जानिब से मैं अनिल बैजल साहब जो कि उपराज्यपाल दिल्ली सरकार, उनका मैं एक मैसेज पढ़ देता हूँ। उनकी चादर पेश हुई है। मैं शहनाज हिंदुस्तानी, आम आदमी पार्टी के सरकार दिल्ली सरकार के हिंदी अकादमी का मेंबर। मुझे ये जानकर प्रसन्नता हो रही है कि हर साल की तरह दिल्ली प्रदेश उर्स कमेटी हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह दिनांक 26 फरवरी से 5 मार्च 2020 तक आयोजित उर्स के अवसर पर अजमेर शरीफ दरगाह में एक पवित्र चादर पेश कर रही है। हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह वैश्विक प्रेम, शांति, सद्भाव और भाईचारे के संदेश के प्रचारक थे। उन्हें ख्वाजा गरीब नवाज़ यानी गरीबों के लिए दया दिखाने वाले के नाम से भी जाना जाता है। ख्वाजा साहब का उर्स हमें उनके आध्यात्मिक पथ और शिक्षाओं के अनुसरण की प्रेरणा देता है। मैं यह प्रार्थना करता हूँ कि ख्वाजा साहब मेरी चादर को स्वीकार करें और हम सभी पर अपनी कृपा और आशीर्वाद बनाए रखें। और इसके साथ ही अरविंद केजरीवाल जी की तरफ से भी एक मैसेज ये है, उन्होंने कहा है कि ये ख्वाजा साहब ने हमें सिखाया कि ये हिंदुस्तान की मिट्टी किसी एक कौम की मिट्टी नहीं है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बौद्ध जैन का घर है ये, हरिद्वार का स्वर्ग आश्रम तो ख्वाजा साहब का दर है ये, असमी उड़िया गुजराती तेलुगु अनगिन है भाषा भाषी, लेकिन ये सब पीछे हैं, पहले हमें भारतवासी और दिवाली ईद मनाते देखे राम संग रहमान है और इसीलिए जग से न्यारा सबसे प्यारा अपना हिंदुस्तान है। नाम बता दें। मैं शहनाज हिंदुस्तानी, हिंदी अकादमी दिल्ली सरकार का मेंबर।